पाकिस्तान को अच्छा लगता है ये इस देश में चलने वाली बात नहीं है। और सरकार ने कहा है नागरिकता संशोधन कानून सरकार ने लागू किया और सरकार ने कहा इस देश में रहने वाले लोगों को किसी को डरने की बात नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस देश में रहने वाले हैं उनको इस कानून से नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। तब भी कांग्रेस पार्टी एक समाज को उत्तेजित करके एक संप्रदाय को, और सीधा सीधा बात है अध्यक्ष जी यहाँ है, हम लोग के लोकसभा के सदस्य के रूप में भी आए, इस देश में जो घुसपैठ किया है 1971 के पहले, जो विदेशी लोग हैं, जो घुसपैठ के लोग हैं, उनका इस देश में कोई उपाय नहीं है, उनको वापस जाना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा है और देश के जन जन के लोगों की भावना है कि इस देश में एनआरसी लागू होना चाहिए, बिहार में एनआरसी लागू होना चाहिए, जो इस देश में घुसपैठ किए हैं, जो 1971 के पहले इस देश में आए हैं उनको इस देश से जाना होगा, किसी हालत में भी इस देश में रहने का उपाय नहीं है, एनआरसी लागू होना चाहिए और इस देश में एनआरसी लागू होगा। और मित्रों इस देश का आजादी के समय हिंदुस्तान में 1.5% अल्पसंख्यक थे और पाकिस्तान में 17% अल्पसंख्यक थे, आज पाकिस्तान में 1.5% अल्पसंख्यक माने जो रह गए जो हिंदू समाज के थे, और जिस हिंदुस्तान में जो 2% अल्पसंख्यक थे वो 17% अल्पसंख्यक हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी और उन सभी लोगों से कि भारत में अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित है, तो 2% 17% यहाँ की आबादी हुई और पाकिस्तान में 17% से आज 1.5% आबादी हो गई, सुरक्षित हमारे हिंदुस्तान में सुरक्षित है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने नागरिक संशोधन कानून बनाया और कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है जिनको वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं, उनको हम नागरिकता देंगे, उनको डरने की कोई बात नहीं है, उनका आश्रय हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में उनको जगह मिलेगी, किसी हालत में भी दूसरे देश से उनसे डरने की बात नहीं। तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा और माननीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं, नीतीश मिश्रा जी को सुनने आए जो चेवल पर है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का एक बार फिर से इस मिथिला के धरती पर समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हुए बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय मिथिला, भारत माता की जय। एक बार जोर से नाम लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, दोनों हाथ लगा के मुट्ठी बांध के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, संजय जायसवाल।